होटल क्राउन पैलेस में खुलने जा रहा है जायके का नया खजाना। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मजा लीजिए। होटल क्राउन पैलेस, मिक्रोनिया रोड, सागर। प्राचीन परंपराओं से ओतप्रोत ग्वाल नृत्यों से सजा और मिठाई की मिठास से भरा यह अनोखा मड़ाई मेला अपने आप में ग्रामीणों का केंद्र बिंदु होता है। जी हाँ, नरसिंहपुर जिले के छोटे से गांव मोहद में दीपावली के बाद यह परंपरागत मेला भरता है, जिसमें लोक नृत्य से लेकर वह सभी साजो सामान ग्रामीणों को आसानी से उपलब्ध होता है, जिसका वह साल भर इंतजार करते हैं। मेले की परंपरा यह भी है कि यहाँ आने वाले व्यापारियों की मिठाई के दाम इसी गांव के बुजुर्ग लोग तय करते हैं और फिर उसी हिसाब से बिक्री शुरू होती है। मड़ई तो हमोर की उम्रें बीत गई, इतने जमाने से लग रही है और यही पद्धति से चलती आ रही है। बड़ी खासियत है इस मड़ई की, इस मड़ई की तो ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है। क्या खासियत है विशेष यहाँ मड़ई की? यहाँ मिठाई की ज़्यादा दुकानें आती हैं तो वो बिल्कुल खाली करके ले जाते हो। बताते हैं कि रेट वगैरह भी आप ही लोग तय करते हैं कुछ रेट? जी हाँ, रेट हम लोग तय करते हैं। पूरे जितने सियाने रहते हैं, आज 100 रुपए के हिसाब से मड़ई का रेट खोला है। तो क्या रेट कम करने के पीछे गरीबों को भी मिले ऐसा कुछ तय होता है क्या? हाँ जी, ताकि वो 100 रुपए में सभी आदमी, इसमें छोटा बड़ा मध्यम वर्ग का सब आदमी इसको सेवन में उपयोग में ले लेते हैं। और क्या विशेषता है मड़ई? और क्या विशेषता है, अब बाल ये युवा पीढ़ी है जो उनका भी कार्यक्रम रहता है आश्रम का। हाँ, बढ़िया आनंद आता है। अरे अब आप आनंद लेते हैं? अरे आनंद नहीं लेते तो बैठते कैसे। लगभग 250 वर्ष पुराने मोहत के इस मड़ई मेले की पहचान कुछ अलग है। ग्वाल परंपरा से लेकर स्थानीय मिठाई का यह मेला बहुत लोकप्रिय है। हजारों की संख्या में लोग इस मेले का आनंद उठाने आते हैं। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ दुकान तो लगती है, लेकिन दुकानों के सामान का रेट इस गांव के पंच, मुखिया और उनके साथ ग्रामीण मिलकर बैठकर तय करते हैं। और एक बार रेट तय होने के बाद फिर मेले में जमकर मिठाई पकवान की खरीदारी होती है। मोहद मड़ई मेला पूरे ज़िले का चर्चित मेला है। हर गांव के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है प्राचीन जो परंपरा है, हमारी माता चंडी का पूजन है, ग्वालों का नृत्य है और मिठाइयों की मिठास है। मिठाइयाँ हर घर तक पहुँचें, बच्चों में खुशियाँ रहें, बुज़ुर्गों का सम्मान हो और हमारी एक परंपरा है, उस परंपरा को जीवंत रखने का काम हमारे मोहद के वासी और हमारे बुज़ुर्ग लोग करते हैं। उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए गांव के लोग मेल जोल के साथ इस उत्सव को, दीपावली के पर्व जो बाद मनाया जाता है, उसको मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोग खुशियां मनाते हैं और आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं। समय के साथ साथ मेले में फीका बनाया है कि और बड़ा है? और बड़ा बना है। जहाँ तक सोशल मीडिया का ज़माना है तो निश्चित रूप से इस मेले में आपने देखा होगा कई लोग सेल्फी लेते हुए मिले। तो एक तरफ हमारा सोशल मीडिया का ज़माना, दूसरी तरफ हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग संस्कृति को अपनाते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका भरपूर आनंद। क्या नाम? नरेंद्र विश्वकर्मा। इस मेले की दूसरी खास बात यह है कि मेला शुरू होने के पहले माता चंडी की पूजन की जाती है, जिसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही ऊंची ऊंची ढाल जो मोर पंख की बनी होती है उनको लेकर ग्वाल नृत्य करते हैं। Oh!
कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से क्या मिलता है यहाँ पे? बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जैसे? जैसे कि मिठाई, मीठा, मनियारी सौदा, सब कुछ। तो जरूरी चीज अपनी मिल जाती है? हाँ, सब कुछ मिलता है। अच्छा, रेट के मामले में कैसे? रेट में दाम भी मिलता है, दाम भी ठीक है। कहाँ से आई हैं? हम गौडर वाला से। हाँ, बहुत पहले से आ रहे हैं। कैसा लगता है इस मेले में? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या यहाँ जरूरी काम की चीज मिल जाती है आपको यहाँ? हाँ, बहुत सी मिलती है। और रेट के मामले में? रेट भी अच्छा लगाते हैं ये लोग। मीठा वगैरह? मीठा भी अच्छा देते हैं कस्टमर। कितनी खुशी होती है इस तरह के अपन जब मेले में आते हैं? बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। वही स्थानीय विधायक जालम सिंह पटेल भी मेले का आनंद लेने पहुँचे। उन्होंने कहा कि यह मड़ाई मेला सभी जाति और धर्म को एक रूपता से प्रदान करता है। सभी लोग मिलजुल कर मेले में आनंद उठाते हैं। मोहत की मड़ाई बहुत पहले से है, मुझे लगता है 50 वर्ष पहले से मड़ाई का कार्यक्रम होता आया है। मैं लगभग 15-17 साल से यहाँ लगातार मैं आ रहा हूँ, प्रत्येक वर्ष आता हूँ। यहाँ कृषि संबंधित मड़ाई है, बात कृषि पर संगोष्ठी होती है और बहुत अच्छे तरीके से ग्राम के सभी सम्मानी नागरिक बंधु आसपास के ग्रामों को मदद करते हैं, सम्मान बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और यह मड़ई और मेला हमारी संस्कृति है और इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं इसमें ना इसमें कोई छोटा होता ना बड़ा होता है, सारे लोग एक रूपता यहाँ रख के और हमारे जो ग्वाल वाल आते हैं वो हम सबको अपने नृत्य के माध्यम से परिश्रम करके वो सबको प्रसन्नता प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। ऐसा मानता हूँ कि ये हमारी यही हमारे देश की संस्कृति है जो गांव में बसती है, खासकर मोहद में अनेक प्रकार के अच्छे काम। सागर टीवी न्यूज के लिए नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट। आपके अपने होटल क्राउन पैलेस में खुलने जा रहा है जायके का नया खजाना। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मजा लीजिए मुंबई की फेमस चाट चौपाटी का, साथ ही चटकारे ले साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों का। होटल क्राउन पैलेस, मिक्रोनिया रोड, सागर।